गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा। टॉपिक आज होगा इंट्रोडक्शन टू रिटायरमेंट। आज हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे रिटायरमेंट में। तो प्लीज आप में से अगर कोई बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जरा मुझे मोटिवेट करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट वगैरह करते रहें, मुझे मोटिवेशन फील होगा। ठीक है बच्चा। और एक और बात, मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे आपको अब 3 नहीं 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये मिला के आपको 4 चैप्टर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे अवेलेबल हो गया। और दूसरी बात है कि यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, जिनको देखना है वो देख ले। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिटायरमेंट में मैं आपको छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आप सीख जाइएगा। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, कुछ बातें बता दूं। व्हेन अ पार्टनर डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज टर्म एज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर था, और सी, देखो जरा दिख रहा है ना, ए बी सी 3 पार्टनर था, और सी डिसाइड करता है कि अब वो बिजनेस को छोड़ देगा। जब हम क्रॉस करेंगे ना तो आप समझिएगा कोई हट रहा है, जब राउंड कर रहे थे तो एडमिशन हो रहा था, जब क्रॉस करेंगे तो समझिएगा कोई पार्टनर हट रहा है। तो ए बी सी 3 पार्टनर था, सी ने डिसाइड किया कि अब वो पार्टनरशिप को छोड़ देगा, तो इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप। ठीक है ना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ऑन द रिटायरमेंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर कम्स टू एन एंड, मतलब रिटायरमेंट के वक्त जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड द रिमेनिंग पार्टनर इंटर इंटू ए फ्रेश एग्रीमेंट, और इस प्रकार फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारे केसेस में फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें आपने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आपने पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब आप पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इन सारे केसेस में फॉर्म का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होता है, दोबारा से इसको बनाया जाता है। इस फॉर्म का दोबारा से बनाने का मतलब क्या हुआ, जो पुराना एग्रीमेंट है वो बंद हो जाएगा और एक फ्रेश एग्रीमेंट चालू हो जाएगा। अब फ्रेश एग्रीमेंट किसके बीच में चलेगा बच्चे, तो जाहिर सी बात है ए बी सी 3 पार्टनर था, सी अब हट गया, तो जो नया एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ ए और बी के बीच में बनेगा। ठीक है, तो जो हट गया तो रिटायर हो गया, तो जो बचा है उसी को बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, रिमेनिंग पार्टनर्स। खैर आगे बढ़ते हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, किस किस कंडीशन में पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। पहला कंडीशन, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट बिटवीन द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि भाई कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ए और बी और सी 3 पार्टनर था, ए बी सी 3 पार्टनर था, और इन्होंने कुछ एग्रीमेंट ऐसा बनाया था कि कोई काम के लिए सी को पार्टनर बनाया था, वो काम पूरा हो गया, तब उसे सी रिटायर हो जाएगा, सी रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो जाएगा। मैंने बोला ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को उन्होंने एडमिशन लिया था न्यू पार्टनर के रूप में, कुछ टारगेट होगा, कुछ काम होगा, छोटा सा काम होगा उस पूरा करने के लिए, जैसे ही वो काम पूरा होगा सी हट जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके कंसेंट से सी हट सकता है, सी ने ए बी से संपर्क किया और बोला देखो भाई हम रिटायर होना चाहते हैं।
ठीक है, हो सकता है कि इसका एज हो गया हो सकता है कि अब वो उस फॉर्म में काम नहीं करना चाहता हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो रिटायर हो जाएगा, उसके लिए सारे रिमेनिंग पार्टनर्स का कॉन्सेंट चाहिए। कॉन्सेंट का मतलब सहमति चाहिए। दूसरा, बाई गिविंग राइटिंग नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर, हो सकता है कि सी ए और बी को राइटिंग नोटिस भेजवा दे कि भाई देखो हम तुम्हारे फॉर्म से रिटायर होना चाहते हैं, ये हमने नोटिस आपको भिजवा दिया। इस तरह के रिटायरमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। और ये सेक्शन 32(1) में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप मतलब इच्छा पे है, सी अब रिटायर होना चाहता है, कोई भी पार्टनर, कोई जी नहीं है सी, मान लो ए बी सी है और बी रिटायर होना चाहता है, तो बी ने नोटिस भेजवा दिया ए और सी को, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको, कि भाई देखो हम तुम्हारे फॉर्म से, अपने फॉर्म से रिटायर होना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा, कहलाएगा पार्टनरशिप एट विल। तो आपने देखा तीन कंडीशन से कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट अब फुलफिल हो गया तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, आप रिमेनिंग पार्टनर से कंसेंट ले लो, सहमति ले लो, भाई देखो हम रिटायर होना चाहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर सहमत हो गए तो रिटायरमेंट मिल जाएगा। तीसरा, भाई नोटिस भिजवा दो उस तरह के जिसमें पार्टनरशिप एट विल हो, ठीक है। तो इन सब कारण केसेस में पार्टनर्स रिटायर हो जाता है, ठीक है बच्चा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। अब क्या लाइबिलिटी होता है रिटायरिंग पार्टनर का? अब रिटायरिंग पार्टनर का दो तरह का लाइबिलिटी होता है, एक लाइबिलिटी रिटायरमेंट के पहले का और एक लाइबिलिटी रिटायरमेंट के बाद का। अब दोनों पढ़ते हैं, समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। ये जरा रूल है, ये कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, रूल है। अब उस रूल को थोड़ा देख लेते हैं। कहता है द रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के डेट तक जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लायबल है फॉर्म के सारे एक्ट का। फॉर्म के सारे एक्ट का मतलब फॉर्म जो भी काम करेगा रिटायरिंग के डेट तक वो लायबल है उसको भरने के लिए, ठीक है। हाउ एवर ही मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाई एन एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ थर्ड पार्टी एंड रिमेनिंग पार्टनर। यानी कि मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, बी रिटायर होना चाहता है, ए और सी से एग्रीमेंट कर लिया, साथ ही साथ थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया जिसपे मान लो किसी से उधार खरीदा था। अब वो ऐसा नहीं किया वो बी से मांगने पहुंच जाए, इसीलिए क्या कर लिया कि शुरू में ही एक एग्रीमेंट बना लिया। किससे किससे एग्रीमेंट बनाया? पहले तो रिमेनिंग पार्टनर से उसने एग्रीमेंट बना लिया, उस थर्ड पार्टी से भी एग्रीमेंट बना लिया जिसके जिसपे लायबिलिटी था फॉर्म का। अब वो एग्रीमेंट ऐसा बन गया कि अब उससे फ्री हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, अब उसको लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना होगा बी को जब वो रिटायर होगा। तो ये लिखा हुआ था सेक्शन 32(2) में। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी फॉर द फर्म एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? कभी कभी क्या होता है ना, कोई पार्टनर रिटायर भी हो जाता है तो उसको फर्म के लायबिलिटी के लिए वो लायबल होता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस छपवाना होगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं छपवाता है तो वैसे केस में ये, अगर ये भी नहीं करता है तो वैसे केस में उसको लायबिलिटी भरते रहना पड़ेगा फ्यूचर में भी, रिटायरमेंट के बाद भी। तो इसलिए द रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट हैज बीन गिवन आइदर बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर। या तो ए बी सी मान ले तीन पार्टनर है बच्चा, बी रिटायर हो गया, बी ने नोटिस छपवा दिया या ए और सी ने नोटिस छपवा दिया, पब्लिक नोटिस दे दिया कि भाई बी रिटायर हो गया है, या बी ने खुद पब्लिक नोटिस करवा दिया कि हम रिटायर हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करवाता है तो वो लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है ना, मतलब फॉर्म के कोई भी काम के लिए वो भी लायबल होगा अगर ऐसा नहीं करता तो। इसलिए जब कभी रिटायरमेंट लेना है तो आपको नोटिस भिजवाना होगा, या आपके जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको नोटिस भिजवाना होगा आपके भी आप में, ठीक है। ये सेक्शन 32(4) से है। तो आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 12th के बच्चे हैं, कोई ये फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जानना है। बस आपको थोड़ा सा ये करना है कि आपको बस कहानी याद रखना है, बस काफी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, भाई क्या क्या एडजस्टमेंट, यानी कि यूं बोले तो सिलेबस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या क्या सिलेबस होता है, भाई वही सिलेबस होता है, वही एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है जो चेंज इन प्रॉफिट सैलरी के समय था, एडमिशन के समय था, सेम वही कंडीशन यहां भी लागू होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। वाह, एक नई बात आ गई, सर आपने तो एडमिशन में पढ़ाया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे गेनिंग रेशियो हो गया। हाँ भाई, भाई ए बी सी तीन पार्टनर है, अब सी मान लो बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर ए और सी गेन ही ना करेगा, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकलता है। बच्चे मैं फिर से आपको बता दूं, एक नंबर का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था, मैं आपको जरा बता देता हूँ, रफ पे लिखिए, वेट करो जरा, हाँ ये रहो पेज मेरा है, जरा देखना ध्यान से बच्चे, मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चे, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन था किन किन कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, तो पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में होता है, दूसरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में होता है। मैंने क्या बोला बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कैलकुलेट होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में कैलकुलेट होता है, उसी प्रकार गेनिंग रेशियो भी दो केसेस में कैलकुलेट होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में एंड रिटायरमेंट या डेथ के केस में। अब डेथ और रिटायरमेंट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, रिटायरमेंट अपने मन से होता है और डेथ भगवान के मन से होता है, दो ही बात होती है, रिटायरमेंट आप अपने मन से लेते हो और डेथ भगवान के मन से होता है, लेकिन दोनों में बातें वही होती है, दोनों में बातें वही होती है, रिटायरमेंट में भी वही बातें होती है, डेथ में भी वही बातें होती है। रिटायरमेंट फिर से बता दूं, आपके मन पे इच्छा करता है कब रिटायर करना है, और डेथ भगवान के मन पे इच्छा करता है कि कब आपको बुलावा आ गया, है ना। तो आगे तो कहने का मतलब है, आपको यहाँ पे दो चीजें आपको सीखनी है बच्चे, ये दोनों एकदम आप लर्न कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में एक नंबर का आ जाए, और आया था आता भी है, ठीक है ना, इंटरनल एग्जाम में आ जाए, आपके स्कूल के एग्जाम में कोई टीचर पूछ दे, बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, तो फॉर डैट आपको तैयार रहना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस किस केस में होता है। अगर आपके पास कॉमन सेंस था तो आप खुद से समझ सकते हैं, और कॉमन सेंस अभी नहीं लग पाया किसी कारण से तो आप इसको रट लें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दो केस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन के केस में, गेनिंग रेशियो दो केस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ के केस में, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे साथ डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, दूसरा सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जाहिर सी बात है गुडविल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एडमिशन आपका स्ट्रांग हो जाता है, रिटायरमेंट भी स्ट्रांग हो जाता है। मान लेते हैं, मान लो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पढ़े, तो अगर आप एडमिशन पढ़े हैं तो फिर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी स्ट्रांग हो जाएगा, एडमिशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, रिटायरमेंट भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि 80 to 85% दोनों में सेम होता है, ठीक है ना, तीनों में सेम होता है। तो फिर से देख लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व फिर से पढ़ना है आपको, रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज फिर से पढ़ना है, और कोई अंतर नहीं। खास बात मैं आपको बता दूं कि रिजर्व्स और रिवेल्यूशन में एकदम कोई अंतर नहीं है, गुडविल में चेंजमेंट होता है, खासकर गुडविल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कुछ ज्यादा पढ़ना है, चेंज और रिटायरमेंट में कम पढ़ना है, चेंज और रिटायरमेंट में कम पढ़ना है, फिर से बता रहे हैं, चेंज और रिटायरमेंट में गुडविल कम पढ़ना है, एडमिशन में गुडविल का केसेस ज्यादा है, तो बस गुडविल ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये एक नया चीज आप पढ़ेंगे, सेटलमेंट कैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है तो किस प्रकार से उसे उसका सेटलमेंट होता है, उसका जो अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू समझते हैं, अरे भाई देखो ना, ए बी सी तीन पार्टनर है, अब भी रिटायर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो पूंजी उंजी है, उसका जो प्रॉफिट वगैरह है, उस जितना दिन काम किया है, उस दिन का जो खर्चा या कोई लायबिलिटी है, उसका सेटलमेंट तो होना चाहिए ना, तो ये एक चीज नया आप पढ़ेंगे रिटायरमेंट में,
फिर कैपिटल एडजस्टमेंट इफ एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। कैपिटल एडजस्टमेंट तो भाई इस बार कोरोना के कारण आपके सिलेबस से हटा ही दिया है। बहुत अच्छा खुशखबरी है ये, आपका सिलेबस शॉर्ट हो गया है। तो ये वाला टॉपिक तो वैसे भी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर एक नंबर में आ जाए कि भाई क्या क्या एडजस्टमेंट होती है रिटायरमेंट के केस में, तो ये नाम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, इसका काम नहीं पढ़ना होगा, नाम पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गए बच्चे? मैं फिर से बता दूं, काम नहीं पढ़ना है लेकिन नाम याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां से भी एक नंबर का आ जाता है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑप्शन दिया रहेगा। हो सकता है कि एक ऑप्शन गलत हो और आपको टिक लगाना हो, हो सकता है तीन ऑप्शन गलत हो और एक सही हो, उसमें टिक लगाना है। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है रिटायरमेंट के केस में। मैं फिर से बता दूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना और जो अमाउंट ड्यू है उसका ट्रीटमेंट करना और कैपिटल एडजस्टमेंट, टोटल 6 आइटम आपको पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे? तो हम लोग वन बाय वन एकदम बहुत प्यार से, जैसे हमने एडमिशन को खत्म किया है, इसको भी वैसे ही हम खत्म करेंगे। एकदम प्यार से, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको कोई लेक्चर छूट गया है पुराना तो आप उसको देख लें। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है? और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे हर अपलोड का। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of you.